नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ई रिक्शा में पानी से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मानसून प्रवेश कर चुकी है, यहाँ प्रतिदिन जो है बारिश का मतलब हो रही है और बारिश में भी आपको ई रिक्शा चलाना पड़ता है। और ई रिक्शा में प्रॉब्लम क्या है, पानी जब सीज़न आता है तो ई रिक्शा बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। आपको इसमें ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपका ई रिक्शा ख़राब नहीं हो, इसलिए कुछ आपको मेन चीज़ है उस पर ध्यान देना है और उसकी वजह से आप जो है ये परेशानी जो होती है बारिश में बंद होने की और ख़राब होने की, ये समस्या से आप बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या क्या करना है जिससे ये बरसात में होने वाली प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए ई रिक्शा का जो चक्का छोटा होता है, इसके वजह से अगर गड्ढा उड्ढा में भी हल्का आप जाइएगा तो पानी जाने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और बारिश हो रहा है और उसमें भी गाड़ी आप चलाते हैं तो वो समस्या होती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये थ्रोटल है। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं बारिश का समय, बारिश हो रहा हो उसमें चलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी या ये तार के अंदर पानी जाने से इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है वो शॉर्ट कर जाता है और ये ख़राब हो जाता है और गाड़ी चलना आपको बंद हो जाता है बरसात के समय में। ज़्यादातर बरसात में ऐसा अंधेरा भी ख़राब होता है, लेकिन बरसात में ज़्यादा होता है पानी जाने की वजह से। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जब भी बरसात का शुरू हो जाता है, बारिश होने लगता है तो आप क्या करें, पहले इसमें इस तरह से पन्नी को इस तरीके से आपको है किस तरह से लगा देना है, जिसमें ये आपका काम भी करेगा और इसके अंदर जो है पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये आपका थ्रोटल बरसात के समय में बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे, इसी तरह से आपको पन्नी को लपेट देना है जिससे कि इसके अंदर पानी नहीं जाए, क्योंकि बारिश में आपका कस्टमर आपका बैठा हुआ रहता है, उसे पानी जाता है तो एकाएक पानी देने के बाद ये खड़ा होता है, अब काम नहीं करता है तो आपको परेशानी हो जाती है। चलिए मैं दूसरा आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको ये बॉक्स खोल लें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये कितना बड़ा छिद्र बना हुआ है, इसके द्वारा भी पानी अंदर आता है, आपका जो है डीसी कन्वर्टर कंट्रोलर को ख़राब करता है। इसमें भी जब बारिश का समय आता है उस समय आपको ये पन्नी जो है इस तरीके से अच्छी तरीके से इसमें लगा देना है, जिससे आपको अंदर का पानी मतलब नीचे का पानी अंदर नहीं प्रवेश करे, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। एम सी भी वगैरह रहता है शॉर्ट मारेगा तो और भी सारा प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर खराब हो सकता है, कंट्रोल भी ख़राब हो सकता है, इस तरीके से आपको इसको भी छेदा को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ एक छिद्र दिख रहा होगा, यहाँ ब्रेक स्विच लगी हुई होती है जिसका यहाँ पर ये खुला हुआ है ब्रेक स्विच, और यहाँ देखिए ये पैडल लगा रहता है, जब हम ब्रेक दाबते हैं तो ये ब्रेक स्विच काम करता है ब्रेक लाइट जलाने के लिए, और गाड़ी में जो मोटर कंट्रोल का उसका लाइन कट करने के लिए ब्रेक स्विच का काम होता है। बारिश के समय जब ये पानी नीचे जब गड्ढा में आप जाते हैं तो उस समय क्या होता है, ये स्विच में पानी जाने के बाद ये क्या होता है, इसका ये जो स्विच जो है जाम हो जाता है, उसमें शॉर्ट मारने लगता है, उसके वजह से भी आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। उस स्थिति में आप स्विच का कनेक्शन अगर हटा देते हैं तो आपका गाड़ी फिर से चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा दोस्तों, जहाँ गड्ढा हो वहाँ आप साइड से गाड़ी निकालें, गड्ढा में पानी में बिल्कुल ही ना है, गाड़ी कोशिश करें गाड़ी घुसाने का, क्योंकि गाड़ी घुसे गड्ढा में जाने के बाद इस स्विच में अगर पानी जाएगा तो वो शॉर्ट मारेगा और शॉर्ट मारने के बाद आपको मोटर कंट्रोल का लाइन कट जाएगा, चाबी ऑन होगा लेकिन गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलेगी। इसलिए इस पर ध्यान देंगे, और अगर बारिश का समय आता है तो कोशिश करेंगे इसका कनेक्शन आप हटा देने का और उसमें टेप मार दीजिएगा, जिस कारण से न पानी जाएगा ना ही वो ख़राब होगा। और मैं आगे दिखाता हूँ, आप मोटर की तरफ चलिए। ये देखिए दोस्तों, ये मोटर है, इस पर आपको ध्यान देना है, ये तार वगैरह जितना लटका हो ये लटका नहीं रहे, इसको कोशिश करें और ऊपर में देखें अच्छी तरीके से इसको कोची से बांधे या क्लिप लगा दे, ये तार लटका नहीं रहे, कोशिश करें इस मोटर में पानी बिल्कुल ना जाए, इसीलिए गड्ढा से बिल्कुल इसको आपको नहीं निकालना है, थोड़ा हाइट से साइड से निकालने की कोशिश करें, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बरसात के समय में यही प्रॉब्लम आता है, फिल्टर ख़राब हो जाता है, स्विच में पानी जाने के बाद शॉर्ट करने के बाद आपको लाइन तो आएगा लेकिन काम नहीं करता है, और मोटर में अगर पानी जाता है तो आपका मोटर जल जाता है दोस्तों। तो आपको इतना काम ध्यान देना है, एक्सीलेटर पर, ब्रेक स्विच पर और मोटर पर आपको ध्यान देना है, उसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम पानी में नहीं आने वाली है। जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह से काम करें, आपको बरसात के सीज़न में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।